दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में यदि हम एक मेन सिलेबस की बात करें, जो मेन सिलेबस की बात करें जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जो जनरल साइंस होती है, जनरल साइंस में आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जिसमें केमिस्ट्री 7 से 9 मार्क्स, फिजिक्स 7 से 8 मार्क्स, बायोलॉजी 8 से 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री के 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं। इन 8 से 10 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए या उन क्वेश्चनों को सही करने के लिए आपको सबसे पहले बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानना होगा। जब तक आप बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे या बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस हिसाब से उसको पढ़ नहीं पाएंगे। आप सीधे क्या करते हैं, लूसेंट उठाते हैं और सीधे देखा जो भी पहला टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू कर दिया, या ल्यूसेंट में जो भी लिखा है बायोलॉजी के टॉपिक को आप पढ़ने शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो बायोलॉजी का सिलेबस रेलवे ग्रुप डी के लिए दिया गया है, जो 2022 में जिसका पेपर होने वाला है। ठीक, तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें आप, यदि आपके पास नहीं है तो जो हम लिखवा रहे हैं ये ही सेम टू सेम आपको सिलेबस पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक, जिसमें पहला पॉइंट है आपका, सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट करेंगे जिससे आपको याद रहे, और उस कॉपी में नोट करें जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि इस सिलेबस के बाद मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो टॉपिक दिए गए हैं रेलवे ग्रुप डी में उनको विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है आपका जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति इसके बारे में पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस उत्पत्ति में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आए, किसकी अवधारणाओं को मान्यता मिली, किसकी अवधारणाओं को मान्यता नहीं मिली, उस अवधारणा के आधार पर ये जो अभिधारणा है इसमें हमें किसकी अभिधारणा पढ़नी है, मिलर का प्रयोग पढ़ना है। मतलब जीवन की उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग हमें पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जीवन की उत्पत्ति, अभिधारणा क्या हो जाएगी आपकी, मिलर का प्रयोग। ठीक, सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है आपका वो है कोशिका। कोशिका जिसे आप सेल कहते हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें खोल पढ़नी है, प्रमुख भाग पढ़ने हैं, विभाजन पढ़ना है, कोशिका का विभाजन। मतलब तीन चार पॉइंट आपको कोशिका में पढ़ने हैं, खोज मतलब कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के प्रमुख भाग क्या क्या हैं और उसका विभाजन, कोशिका का विभाजन कैसे कैसे होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपको पढ़ना है। थर्ड पॉइंट में आपको देखना है ऊतक। ऊतक मतलब टिशू। टिशू में भी क्या देखना है, यह कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या कार्य है। और थर्ड पॉइंट में आपको ऊतक पढ़ना है, ऊतक में कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या क्या कार्य है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, जैसे लिखा है जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण
जीवों के वर्गीकरण में भी किसका वर्गीकरण पढ़ना है हमें, किस साइंटिस्ट का वर्गीकरण पढ़ना है, किस साइंटिस्ट का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। तो एक साइंटिस्ट वे हैं आर एच विटेकर नामक एक साइंटिस्ट वे हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, प्लांटी पढ़ना है, एनिमेलिया पढ़ना है। ये 5 पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन में, किसके क्लासिफिकेशन में, विटेकर के क्लासिफिकेशन में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ। फिफ्थ में क्या देखना है आपको, आपको देखना है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति वो भी किसकी द्विनाम पद्धति, लीनियस की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जैसे एक ही चीज के दो नाम होते हैं, जैसे आम का नाम ले लो मैग्निफेरा इंडिका, इस तरह से द्विनाम पद्धति पढ़नी है। किसकी पद्धति पढ़नी है, वो भी लीनियस की, लीनियस के अनुसार हमें उसको पढ़ना है। ठीक, 6 पॉइंट है आपका जीवों की प्रमुख क्रियाएं। तो सजीवों की प्रमुख क्रियाएं, जो सजीव होते हैं जिनमें जीवन होता है उनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं उनको हमें पढ़ना है। पहला पॉइंट है हमारा क्या पढ़ना है, उसमें पोषण पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिसंचरण पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, जनन पढ़ना है। जनन किस में पढ़ना है, पौधों में पढ़ना है। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको किस में पढ़ने हैं, जीवों की प्रमुख क्रियाओं में आपको पढ़ने। ठीक, 7 पॉइंट है आपका भोजन। भोजन के बारे में पढ़ना है जिसको आप रोज खाते हैं, मतलब भोजन के अवयव क्या हैं, उससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, मतलब उसके कुपोषण पढ़ने हैं, मोटापे के बारे में पढ़ना है, नशीले पदार्थ के बारे में पढ़ना है, और मिलावट, उसमें क्या क्या मिलावट होती है, उन सब के बारे में हम आप जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव तंत्र, मतलब 8वां जो पॉइंट है वो है मानव तंत्र। मानव तंत्र में जो मानव, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक मानव हूँ और आप जैसे आप बैठे हैं, मानव ही हैं आप, तो उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले पाचन पढ़ना है, उसके बाद श्वसन पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब मेंडल के प्रयोग, ग्रेगर जोहन मेंडल अनुवांशिकता के पिता माने जाते हैं, उन्हीं का नियम पढ़ना है, कुछ शब्दावली जो उनके द्वारा प्रयोग हुई उनको पढ़ना है, और उसका महत्व पढ़ना है हमें कि जो अनुवांशिकता के नियम हैं उनका क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके क्या क्या उपयोग। ठीक, नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षी मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपको उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है 11 पॉइंट रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जानना है। और लास्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो बहुत ही मोस्ट है आरएच कारक, मतलब आरएच फैक्टर के नाम से आप जिनको जानते हैं वे आपको पढ़ने हैं। मतलब तो इसमें आपको 12 पॉइंट पढ़ने हैं। जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो 12 पॉइंट पे 12 पॉइंट पे टिका हुआ है। पहले में जीवन की उत्पत्ति, दूसरे में कोशिका, तीसरे में ऊतक, फोर्थ में जीवों का वर्गीकरण, पांचवें में द्विनाम पद्धति, छठे में जीवों की प्रमुख क्रियाएं, सेवन में भोजन, आठ में मानव तंत्र, नौ में अनुवांशिकता, दस में प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी, 11th में आपको पढ़ना है रक्त समूह, और 12th में पढ़ना है आरएच कारक। ये पूरा सिलेबस है ग्रुप डी का। यदि आपको ये सिलेबस अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक काम अवश्य करें। क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों पर शेयर करें।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।